इस समय हम ताजमहल के मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं और आज उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि वो आगरा मेट्रो का यहां पर जायजा ले रहे हैं। मेट्रो अभी 6 स्टेशनों पर शुरू हुई है और आगे की उसकी रणनीति क्या रहेगी ये सब जानने के लिए वो मेट्रो के अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो तस्वीरें अभी लगी हुई हैं यहाँ पर वो उनका अवलोकन कर रहे हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन के GM भी मौजूद हैं। उन्हें एक एक तरीके से बारीकी से सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि आगे आगरा मेट्रो का क्या कार्य होना है और ये मेट्रो सिकंदरा तक जानी है। तो अभी एक बड़ी अवैध अमली जामा पहनाना है और इसी को लेकर आज दुर्गा शंकर मिश्र जो उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और पूरी आगरा मेट्रो का जायजा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव आज आगरा आए हैं और मेट्रो शुरू होने के बाद पहली बार उनका आगरा आगमन हुआ है। वो आगरा मेट्रो में भी अब सफर करेंगे। आप देख सकते हैं दुर्गा शंकर मिश्र जो मुख्य सचिव है उत्तर प्रदेश सरकार में वह CEO से नीचे उतर रहे हैं और यहां से वह आगरा मेट्रो में बैठेंगे और मेट्रो का सफर करेंगे और आगरा मेट्रो की बारीकियां भी जानेंगे। आप देख सकते हैं कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र अब नीचे आ चुके हैं और यहीं से वो आगरा मेट्रो में बैठेंगे और आगरा मेट्रो का सफर कर उसकी बारीकियां और आगे की क्या प्लानिंग होनी है ये सब तय की जाएगी। इस समय हम आगरा मेट्रो में सफर कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो मुख्य सचिव है उत्तर प्रदेश सरकार दुर्गा शंकर मिश्र वो मौजूद हैं और वो खुद इस मेट्रो में सफर कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ वार्ता की जा रही है कि आगे की प्लानिंग क्या होगी और ये मेट्रो किस गति से प्रगति की ओर बढ़ने वाली है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिलाधिकारी के साथ साथ CEO आगरा और जो मेट्रो के प्रबंध निदेशक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय हम फतेहाबाद मेट्रो स्टेशन पर आ चुके हैं और ये फतेहाबाद मेट्रो स्टेशन है और यहाँ का नज़ारा आप बहुत अद्भुत नजर आएगा। मेट्रो में सफर कर रहे हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं मेट्रो का नजारा किस तरह का आता है। इस समय हम सहित कैप्टन शुभम गुप्ता मेट्रो स्टेशन की पढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि मेट्रो से आगरा का ये नजारा कितना अद्भुत दिखाई दे रहा है। शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया था। उनके पारिवारिक जरूरत की मांग भी जो पुरजोर तरीके से CM योगी ने पूरी की।